मैं जानता हूँ तुम अपने घर परिवार वालों के लिए बहुत काम करते हो, दिन भर सबकी सेवा करते हो, बच्चों को सही संस्कार देने की भी पूरी कोशिश करते हो, उनके विकास के लिए भी तुम उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हो। कभी कभी तो तुम्हें उन पर दबाव भी डालना पड़ता है। दबाव इसलिए क्योंकि तुम चाहते हो कि वो जीवन में हमेशा सही दिशा में आगे बढ़े। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी तुम ध्यान रखते हो और ये सब तुम बहुत ही प्यार और शिद्दत के साथ करते हो, ये मैं देखता हूँ। लेकिन फिर भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें समझते नहीं और बहुत बार कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसकी वजह से तुम्हें बहुत दुख होता है। तुम्हारे बच्चे भी कभी कभी पलट कर तुम्हें जवाब देते हैं और कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे तुम्हें ऐसा लगता है मैं तो बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे ऐसा बर्ताव करते हैं तो क्या मुझ में ही कोई कमी है? मेरे घर वाले भी मुझ में कमियाँ हैं ऐसा बताते हैं, तो क्या सच में मेरे अंदर केवल कमियाँ ही हैं? क्या मैं अपने घर को पूरी तरह संभाल नहीं पा रही हूँ? यह विचार अक्सर मेरे कई बच्चों के मन में आते हैं। तो बच्चे एक बात समझ लो, तुम सच्चे मन से अपना हर कर्तव्य निभा रहे हो और तुम्हारा हेतु भी सबके प्रति सच्चा और ईमानदार है। तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, बल्कि तुम तो अपने घर को जोड़कर प्रगति की ओर ले जाना चाहते हो। तो इसलिए अगर कोई तुम पर चिढ़ता है तो तुम उनकी बातों की वजह से खुद को कम न समझो और खुद के कर्म न बिगाड़ो। अपना हर काम यूं ही ईमानदारी के साथ करते जाओ और तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे अपने भी तुम्हें अवश्य समझेंगे। खुद को दोष ना दो और ना ही ये समझो कि तुम में कुछ कमी है। तुम तो बहुत गुणी हो और तुम मेरे बच्चे हो। हमेशा खुश रहो, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम पर।